अरे हम तो रहने दुए भाई बाबू जही बजे लगाई। अरे हम तो रहने दुए भाई बाबू जही बजे लगाई। आ पापा सही ना पहे लगी है जे घर बटाई बाबूआ। कि पापा सही ना पहे लगी है जे घर बटाई बाबूआ। बिना प्रेम के देवा कैसे तो बुताई बाबूआ। भाभी रील्स बनाती है बहुत अच्छा अच्छा इनका आईडी जाके सर्च कर लीजिए। आईडी बता दीजिए भाई। कितना सब फॉलोवर्स है? 1,80,000 के आसपास हो गया। तो जाइए आप लोग और ज्यादा प्यार दीजिए, मेरे जितने ऑडियंस है भाभी को जाइए सपोर्ट कीजिए। एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे एक न्यू ब्लॉग में। दोस्तों आज का ब्लॉग काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी दीपावली। आज अभी हम लोग जा रहे हैं स्टूडियो पे और मेरे साथ देख सकते हैं कौन है। चलिए सर नमस्ते प्रणाम, कैसे हैं आप सब? मेरे साथ अभी प्रभाकर जी हैं और अभी हम लोग स्टूडियो पे जा रहे हैं। पीछे देख सकते हैं हम लोग को पूजा का सामान सारा रखा हुआ है और अभी स्टूडियो पे पहुंचते हैं और आप लोगों को सारा गेटअप वहाँ का दिखाते हैं। पूजा पाठ होने वाला है स्टूडियो में और भी कहीं हम लोग आज जाने वाले हैं, तो सारा चीज आप लोगों को इस ब्लॉग में ही पूरा देखने के लिए मिलेगा। इस ब्लॉग में आप स्पेशली आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं बधाई। आज आप लोग आज का दिन विशेष खुशी वाला दिन है, तो आज आप लोग घर में दीप जलाइए, पटाखा छोड़िए लेकिन संभल के, और खुशी मनाइए अपना परिवार के साथ। और हम तो कहते हैं पटाखा छोड़िए ही मत, मिठाई उठाई खाइए और ऐसे ही खुशी मनाइए दीप जला के। क्या कैसा रहेगा? नहीं नहीं ये भी सही रहेगा, क्योंकि पटाखा छोड़िएगा तो पोल्यूशन फैलेगा और पोल्यूशन फैलाना ही नहीं, और प्लस में बेफिजूल का पैसा भी बर्बाद होगा। तो इससे अच्छा है कि आप लोग खाइए पिए उसी पैसा से और एंजॉय कीजिए। तो चलिए अभी हम लोग स्टूडियो में पहुंच गए, आप लोगों से मिलते हैं, क्योंकि इधर का थोड़ा सा रोड सही नहीं है, उसकी वजह से आप लोगों को सही से ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। बाकी अभी चलते हैं स्टूडियो पे, फिर मिलते हैं आप लोगों से। दोस्तों फाइनली स्टूडियो पहुंच चुका हूं, बस 10 कदम बचा हुआ है। बाकी आप लोगों को कंटिन्यू जुड़े रहिए और जो जो हमारे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी प्रभाकर जी बहुत तेज गाड़ी चलाते हैं, आज हम देख लिया इनका गाड़ी पर कभी नहीं बैठेंगे हम। बाकी हम लोग मैसौड़ी में रुके हुए थे, वहाँ पे फूल वगैरह कुछ लेना था तो फूल वगैरह ले लिए। बाकी फूल वगैरह लगा हुआ है, थोड़ा बहुत पूजा के लिए लिए हैं। बाकी आप देख सकते हैं दोस्तों अभी पहुँच चुके हैं हम लोग स्टूडियो पर, बस यहाँ पे गाड़ी पार्क करते हैं उसके बाद चलते हैं स्टूडियो। आप नहीं छीजिएगा ना, प्रभाकर जी को छुटका हो, इसके सामान नहीं छू रहे हैं। बाकी ये थोड़ा बहुत सामान है, बाकी रात में हम लोग ला के रखे थे। बाकी ये सब सामान लेते हैं और अभी चलते हैं स्टूडियो में। तो हम लोग फाइनली स्टूडियो पहुंच चुके हैं, देख सकते हैं सामान है। बाकी अभी चलते हैं अंदर में और आप लोगों को सारा डेकोरेशन दिखाते हैं। जाइए प्रभाकर जी, दिखाइए आप अंदर जाके। देखिए हमारा स्टूडियो डेकोरेट हो चुका है पूजा के लिए। और गौतम भैया है, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनती लड़का है। और आने से पहले और ये प्रभाकर जी का छोटा भाई है। बाकी दिखा दीजिए, बाहर का दिखा दिए हैं। हाँ बाकी चलिए अंदर चलिए। ये राजा रेडीमेड है, राजा ये राजू रेडीमेड, राजू रेडीमेड। बाकी देखिए स्टूडियो में आ गए हैं और राजा जी पूजा में बैठने वाले हैं, क्योंकि बोलिए कुछ सर, हैप्पी दिवाली बोल दीजिए आप सभी को मेरे तरफ से। दीपावली ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। देखिए कितना स्मार्ट आशीर्वाद देते रहे, देखिए स्मार्ट लग रहे हैं राजा एकदम। बाकी अभी देख सकते हैं सारा डेकोरेशन हो चुका है, रात में ये सब काम हुआ था। बाकी अभी यहाँ पे पूजा होने वाला है। ये हमारे गौतम भैया जो कि इंजीनियर है, देखिए क्या बना रहे हैं। क्या बना रहे गौतम, ये बता दीजिए थोड़ा हमारे पब्लिक को। दिल बना रहे हैं। देखिए ये गौतम भैया का दिल है, लेकिन थोड़ा सा टेढ़ा हो गया क्योंकि अभी ठंडी के कारण सुकड़ गया है। बाकी इधर में देख सकते हैं हमारे ऑल टीम बैठे हुए हैं, प्रभाकर जी और इधर में राइटर राजा भाई। करिया लगा पड़ा, देखिये
और इधर में और है भाई लोग, बताइए आपका नाम क्या है सर? बाकी अभी पंडित जी नहीं आया, पंडित जी का इंतजार हो रहा है, बाकी गौतम भैया। और अभी अंदर में चलते हैं स्टूडियो के अंदर, और ये है स्टूडियो, और देख सकते हैं यहाँ पे काफी अच्छा से डेकोरेशन किया गया। बाकी ये है हम, बाकी हम अभी रेडी नहीं हुए, मतलब नहलाए नहीं है, और बाकी अभी देख लेते हैं सारा तैयारी हो जाता है, उसके बाद फिर चलते हैं नहलाने के लिए। दोस्तों पूजा में थोड़ा सा विलंब है, इसलिए इधर में सिंगिंग कंपटीशन चल रहा है, देख सकते हैं। ये हमारे गौतम भैया हैं जो कि जज के रूप में यहाँ पे बैठे हुए हैं शिवाय म्यूजिक में, और ये प्रभाकर जी देख रहे हैं, लगे हुए हैं। चलिए गाइए गाइए गाइए। ये है मतलब कि बड़ा भाई छोटा भाई की बात है, तो बड़ा भाई ठीक है पढ़ा लिखा के छोटा भाई को मतलब कि नौकरी लगाया, सब लगाया, जब छोटा भाई का पत्नी आती है ना तो सुखा सिखा पड़ी होता है, गाना गा रहे के स्टोरी समझा रहे हैं। उसके बाद में तो वही उसका छोटा भाई, हाँ उसका छोटा भाई कहता है कि भैया हमारा अलगा हो जाएगी ठीक है, तो बड़ा भाई का करेजा फटकर कैसे कहता है, अपना छोटा भाई को लेके जाता है अपना बाबू जी के फोटो के पास, बाबू जी का चले देहांत हो गया, चल बसे होते हैं, कहता है अगर हम तो गहने दुए भाई बाबू जही बजे अलगाई, अरे हम तो गहने दुए भाई बाबू जही बजे अलगाई, अब पापा सही ना पहन लगी है जे घर बटाए बाबूआ, कि पापा सही ना पहन लगी है जे घर बटाए बाबूआ, कि दिया ना प्रेम के देव कैसे बहुत अच्छा लगा। आप लोग भी कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा प्रभाकर जी का ये गाना। आइए गौतम भैया, ये देखिए फास्टिंग में है और पूजा पर बैठने वाले हैं, देखिए कैसे कैसे गाना गा रहे हैं। गाना तो मैं गाया हूँ, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है, एक मुलाकात जरूरी है सनम। जियो ब्यास जियो, जीरो ब्यास जीरो, जीरो ब्यास जीरो, जीरो। सुनो ए सनम गम, जय हो हल्ला बढ़िया रे, जी एक मन ना करे देखो तो हरा मारे, तोरा मारे हम तो से प्यार करी कर क्या है तू हम करी प्यार तो से तू दगा देलो दिल हक जान जा कहीं लगा ले लो जियो, तोहर दिल हक जान जा तो ही लगा। चलिए पूजा का कार्यक्रम जो है उसको आगे बढ़ाते हैं, और बाकी हमारे पंडित जी भी आ चुके हैं इधर में। पंडित जी भी कहा है ये हमारे अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, पंडित जी जैसा दोस्तों इधर देख सकते हैं, इधर पूजा का पूरा तैयारी हो चुका है, और हमारे राजा जी पूजा पे बैठे हैं, और इधर में देख सकते हैं पंडित जी हैं, और बाकी सारा ये सामग्री पूजा का है, और इधर में कुछ लक्ष्मी भी आई है हमारे स्टूडियो में, हाय कर दीजिए आप लोग, और इधर तो ये चेहरा आप लोग जानते ही होंगे, वायरल चेहरा है आप लोगों के बीच, बाकी इधर पंडित जी अपना काम में लगे हुए हैं, बाकी
देख सकते हैं सारा प्रोसेस आप लोगों को दिखाएंगे अपने ब्लॉग के माध्यम से। तो आप लोग जुड़े रहिए, जो जो हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और राजा देखिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खुश है, और प्रभाकर जी इधर थोड़ा सा नहीं आ रहे, उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम है उधर में, थोड़ा सा छुटका वगैरह हुआ है इसलिए वो पूजा में शामिल नहीं हुए हैं। लाइट वजह लाल है सब क्या? ॐ महाजिनवतो वरीराजः दानवेन्द्रो महाबलः तेनोऽहं प्रतिबन्धनानि रक्षेमाचलमाचलः शुक्लां वर्धनं देवः ससेवर्णां चतुर्भुजां प्रसन्नवदनं ध्यायेत्वा सर्वविघ्नोपशान्तयेत्। हरिः ओम् हरिं महासमुखरानां त्वहा गणपतिवङ्गवामहे, प्रियाणां त्वहा प्रियपतिः वङ्गवामहे। वसो मम आवाह जानिग्रमदमः। हरिं महासमुखस्य एकदन्तश्च कपिलो गजकर्णका, लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायक। उच्चतु सागरा सर्वे सप्तदीपा वसुन्धरा, यावत् पूजा करिष्यामि तावत् हम लोग का पूजा सम्पन्न हुआ है, प्रसाद वितरण करेंगे। अरे आज कैसे रहेगा? प्रसाद दोस्तों हम लोग का पूजा संपन्न हुआ और प्रसाद भी हम लोग खा लिए और काफी ज्यादा एंजॉय किए स्टूडियो में। आज दीपावली है तो दीपावली का एंजॉय कीजिए आप लोग। तो इस ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं। आई होप आप लोग को ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जो जो हमारे चैनल पे नए हैं बेल आइकन को ऑन पे सेट कर दीजिए और भैया को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए। भाभी आप भी कुछ बोलिए थोड़ा। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं हम लोग को। भाभी रील्स बनाती है बहुत अच्छा अच्छा, इनका आईडी जाके सर्च कर लीजिए। आईडी बता दीजिए एक बार। सोनम 143 आईडी। कितना सब फॉलोवर्स है? 1,80,000 के आसपास हो गया। तो जाइए आप लोग और ज्यादा प्यार दीजिए, मेरे जितने ऑडियंस है भाभी को जाइए सपोर्ट कीजिए, भैया को भी सपोर्ट कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।